الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سبحان الله حيا قيوما سميع بصيرا سبحان الله والصلاة والسلام على رسوله أرسله أرسله إلى الناس كافة الرحمن الرحيم
ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دفعہ محبت اور ادب و احترام دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش فرماؤ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی اسرا نہیں ساری تقریر تسیں اپنی مرضی نال سنیا جے لیکن حضور دی بارگاہ دے اندر جدوں درود و سلام پیش کرن دی باری آئے اے عقیدہ اے نظریہ اے یقین رکھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام ادب نال سر جھکا کے پیش فرمایا کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساڈیاں آوازاں نہیں حضور ساڈی ایک ایک آہ اور ایک ایک ساہ دی خبر رکھ دے کیونکہ پیاسے نو اپنی پیاس دا احساس بعد وچ ہوندا ہے کملی والے نو خبر پہلے ہو جاندی ماں نو اپنے پتر دی بھک پیاس دا احساس بعد وچ ہوندا ہے کملی والے نو خبر ایک دفعہ محبت نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام سرکار دا فرمان بھی حضور دی حدیث ہے کہ جڑا محبت نال میری بارگاہ وچ درود و سلام پیش کردا ہے میں خود اس دا درود سلام سندا بھی ہاں اور جواب بھی دے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحۃ العاشقین وعلی صحابك يا سيدي يا أنيس الغريبين زينة محفل میرے عزیز خطیب اہل سنت جناب صاحبزادہ سید افتخار علی شاہ صاحب نقیب محفل محترم مقرم جناب فاروق احمد بٹ صاحب علامہ سیالوی صاحب تشریف رکھتے ہیں دیگر پروقار علماء اہل سنت منتظمین جلسہ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگو زی وقار ساتھیو قابل قدر بھائیو لائق صد شفقت عزیز نوجوانوں قابل صد عزت و تقریم محترمہ مکرمہ معزہ مائیو بہنوں عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء ارباب عقیدت ارباب محبت ارباب بصیرت ارباب علم و فن میرے سنی غیور بھائیو السلام علیکم
जैसा कि शाह साहब जिक्र फरमा रहे सन कि इन्हां दी पैदाइश ते 32-33 साल पहले इन्हां दे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना सैयद आबिद हुसैन शाह साहब उन्होंने मैनू तकरीर वास्ते बुलाया तो वो मेरी पहली तकरीर नहीं सी। ये हिसाब ला लो 32-33 साल इन्हां दी उम्र हो गई है और तकरीबन 47 साल हुजूर दे गीत गांदियां गुजर गए ने। अगे मेरी उम्र का हिसाब ला लो 47 साल से मैनू तकरीरां करदियां हो गए। अजीजम जनाब मुहम्मद इरफान साहब उन्होंने मैनू हुक्म फरमाया कि उगो पिंडर दे अंदर दोस्तों की प्यास है तो उस प्यास नूं बुझाण वास्ते मैं हाजिर खिदमत हाँ। अल्लाह दी लारैब बेऐब किताब जो बेऐब महबूब ते रब ने नादिल फरमाई उसकी एक मुख्तसर जी आयत जिसनों मैं अज दी इस पाकीज़ा महफिल पाक के अंदर खुदा ताला दी सच्ची सुच्ची लारैब और बेऐब किताब इसकी एक मुख्तसर आयत जिसनों उनवाने गुफ्तगू ठहरा है खुदा ताला जो कि बेनियाज है इत्थे थल्ले रख लो बेपरवाह है ना मजबूर है ना माजूर है इंज लगता है कि खुदा ताला अपने महबूब दे नाल फर्द ते मुहब्बत दा इजहार कर अरबाब इल्म हजरात मेरे इस जुमले नूं समझ रहे ने कि मैं की कह रहे जरा मुश्किल जिहा जुमला है कि फरते मुहब्बत किसनूं कहा जाता है मैं इसनों आसान अल्फाज के अंदर तुहानू समझाने की कोशिश करांगा जिसनों पंजाबी च कहिंदे ना कि फलाना ते फलाने ते डोली गया इसनों कहिंदे ने फरते मुहब्बत और फिर मोहब्बत की है ये मोहब्बत है कि जनाब मकबूल अहमद साहब
इन्हां ने कामोकी दे बाजार दे अंदर कुछ आशकां नूं देखिया ते उन्हां नूं कहन लगे भी उगो पिंडर ज़िया साहब दी तकरीर है ते तुसीं इत्थे बैठे हो और उन्हां दी मुहब्बत नूं मैं सलाम कहना बल्कि तुसीं सब अहले मुहब्बत हो और मोहब्बत है किस है अगर मैं अपनी तकरीर नूं दो हरफां दे अंदर बयान करना चाहवां तो इंज भी हो सकदा है मोहब्बत रसूल दा नाम ईमान है और बुग़्ज़ रसूल दा नाम कुफर है बुग़्ज़ रसूल दा नाम कुफर है मोहब्बत रसूल दा नाम ईमान है। बाज़ औकात ऐसा होंदा है कि तवाफ़े काबा करदियां काफिर है काबे दियां चाबियां जेब विच ने काफिर है। मैं बड़े आसान अंदाज च बात करन दा आदि हां ताकि तुहाडे च अगर कोई एमए बैठा है वह भी समझे कोई एमए बैठा है वह भी समझे और ये पंजाबी जुबान मार्फत औलिया अल्लाह की जुबान है जो कि मैं तकरीबन अरसा 12 साल तो यूरोप के अंदर भी पंजाबी के अंदर तकरीर कर रहा और यकीन फरमाओ तुहाडा ख्याल है कि यूरोप के अंदर पंजाबी का की काम है। बरतानिया के अंदर 1901 के अंदर एक मुसलमान सी एक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान जड़े ने उन्हां दी तादाद 25 लाख तो ज्यादा और जड़ी कमेटी एक अंजुमन मैनू बुला रही 12-13 साल तो एक अंजुमन ने एक शहर के अंदर 19 मस्जिद बनाई तो उथे पंजाबी दे खतीब और फिर तरन्नम वाले खतीब के इंतजार विच पाकिस्तानी बैठे होंगे कि यह कदों आएगा। अंग्रेजी च कोई तकरीर करता है तो लोग उर्दू च करता है थोड़ा जिहा एवें सिर चुकते हैं तो जदों पंजाबी दा खतीब को आउंदा है खतीब हो गए तो फिर वो लोग रक्स करते हैं। बल्कि हुजूर दा जिक्र तो एक ऐसा जिक्र है कि मैनू ब्रेडफोर्ड शहर दियां और सड़कां और रोड याद ने बाकरन रोड ते मस्जिद दे अंदर मैं तकरीर कर रहा सा और गोरिया ने रक्स शुरू कर दिता जिन्हों तुसी कहंदे ना लुड्डी पानी शुरू कर। साढ़े पाकिस्तानियों ने कहा भी खतीब पंजाबी तकरीर करता है तुसी पंजाबी समझते भी नहीं तुहानू होया की है। उन्हें कहा समझ ते नहीं आती जदों अपने नबी की तारीफ करता है कोई चीज दिल ते असर कर अल्लाह करे को दिल विच बात उतर जाए। मेरे तो पहले नौजवान हजरात तो सुने ने मैं बुढ़ा आदमी हाँ लेकिन उन्हें तकरीर नहीं मैं बुढ़िया करा फैज है मेरे पीर सियाल और तुसी हैरान होवोगे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस निकलता है। बरतानिया की सरजमीन गोरियां की सरजमीन तकरीबन 2.5-3 महीने तक जुलूस ईद मिलादुन नबी का मुख्तलिफ तारीखों के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत बड़ा जुलूस
बर्मिंघम शहर के अंदर पिछले साल भी अप्रैल के अंदर अप्रैल तक हुजूर दे जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह तबीयत हाजिर है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिक्र मिटाण वाले मिट गए मिट रहे ने और मिट जाणगे लेकिन बिलाल नू कोलियां ते चढ़ा के भी देख लिया पैरां दे अंदर मेखां ला के भी वेख लईयां ते उन्होंने फरमाया कलमा छड़ दे हजरत बिलाल ने जवाब दिता है पढ़न वास्ते पढ़े छड़न वास्ते ते नहीं पढ़े तुसी ते माशाल्लाह दरिया ते कालीना ते तशरीफ रखदे हो बंद किवें होवे मैं अर्ज करना है आओ जरा नजर मारिए अल्लाह फरमांदा असां महबूब तेरे जिक्र नू तेरे वास्ते बुलंद कर दे जौक नाल बोलो ना जरा सुभान अल्लाह तुहाडे पिंड दे अंदर कोई सुभान अल्लाह ते पाबंदी ते नहीं इस जिक्र कदों दा है और अल्लाह फरमांदा है असां बुलंद कर दिता करना नहीं जो कर दिता है जी हुण एक बंदा आखे जी मैं सदर अयूब नूं नहीं मनदा उह पाकिस्तान दा सदर रहा ते मर परे तू ना मन उह ते सदारत कर गया है की ख्याल है तुहाडा अल्लाह फरमांदा है करना नहीं असां कर दिता है कितना कीता है जिन्ना इंची टेपा फड़ी है ना ते मापते फिर देने वो दसन ना कि रब की ताकत कितनी अगर उसकी ताकत हद विच आ सकती है तो फिर ते माप भी लेंगा मैं एक मिसाल अर्ज करना कि एक चार साल के बच्चे नूं तुसी एक गेंद दे दे हो वह सुटेगा कितनी बुलंद जाएगी ते एक नामी गरामी पहलवान नूं दे दे हो उसके बाजू च ताकत ही हो रही ते रब की ताकत को बयान कर सकता है बोलो ना ये ऐवें परेशान ने अल्लाह फरमांदा है महबूब असां तेरा जिक्र बोलो बोलो तुसी बुलंद आवाज नाल बोलो अच्छा तुसां वैसे कदे ये गौर कीता कि अल्लाह ने जुबान मुंह विच क्यों रखी सीने च दिल क्यों रखे अगर तुसी अफजल ज़िया कोल पुछो तो मैं दस दें हर गल ते गौर ते करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जुबान मुंह विच क्यों रखी है सीने च दिल क्यों रखे ये मैं ते इस नतीजे ते पहुंचे कि दी जुबान हक ने सनाए है मुस्तफा के वास्ते सनाए मुस्तफा के वास्ते दिल दिया हुबे हबीबे किबरिया के वास्ते मरहबा
हाँ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा। चूंकि अल्लाह फरमांदा है वरफाना, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह दी कसम उगो पिंडर नहीं, जिथे जिथे लिया मैं सोने मोहम्मद दा नाम, जग मैनू अखियां ते बिठाउंदा रहा, घबरा के दित्ती जदों मैं सदा, सोना चल के मदीने तो आउंदा रहा। फरमाया वरफाना लका जिक्र, या अल्लाह ए जिक्र कदों दा शुरू कीते ही? फरमाया जदों कदों भी नहीं, के कदों तक जाएगा। अज जड़े घबरांदे न के सुन्नी नबी करीम दी इतनी तारीफ करदे ने के कर करके खुदा तू भी अगां लै जांदे ने। है? मैं क्या अगां दा लफज ते ओ कह सकदा है जिन्हें खुदा दा को हद बन्ना वेख्या होवे भी हुण हद तो लंघाउण लगे ने, ते जिहड़ा हद विच आ जाए ओ खुदा नहीं। एक कीमती मोती ने जरा संभाल लो, जिहड़ा हद विच आ जाए, बात फिर समझो, जिहड़ा हद विच आ जाए ओ खुदा नहीं। तुसीं चार दीवारी दे अंदर बैठे हो ना, ये चार दीवारी तुहाडे तो बड़ी है, और ये बात किसे गुलाम ने सुखन दे ताजदार बुले शाह को पूछी ना, हजूरे किथे बसदा है, किथों दे पते दसदा है? आ फरमाउंदे ने के जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन शमाना, जे मैं तैनू अंदर जाना ते फिर मुकैद जाना, हर विच तू हर हर तू पाक पछाड़ा। फरमांदे ने मैं भी तू है, अबस तू ही तू है, ए बुल्ला कौन निमाड़ा। रब फरमांदे महबूब बसां तेरे जिक्र नूं बुलंद कीता, या अल्लाह किस तरह? फरमाया महबूब एक वक्त सी, ये वक्त तुहानू समझाण वास्ते गल कर रहा, वरना मेरा नबी वक्त दा भी नबी है, नबियां दा भी। जदों कोई नबी नहीं सी मेरा नबी उदों भी। और आओ मजे दी गल दसां, ये जितने नबी ने सारे तुफैली ने, जितने नबी ने सारे, शाह साहब पिछे बैठे ने पर सैयद पिछे होवे पुश्त पनाह होंदा है, अगे होवे रहनुमा होंदा है। हाँ ए मेरे नबी दे तुफैल नबी बने, जिनू कहंदे ने यार दा सिर सदका, यार दा सिर सदका, तीजे दे सिर तो वार वार के रब नबूवतां ते रसालतां पे देंदा है, हैं उदी शान नूं अदम च बंद करदा फिरना। आ मैं तैनूं दसां,
एक वक्त सी खुदा दा जिक्र नहीं सी, खुदा दा जिक्र नहीं सी, लेकिन मुस्तफा दा जिक्र उदों भी सी, मुस्तफा दा जिक्र। हाँ एक वक्त सी जदों खुदा दा जिक्र नहीं सी, मुस्तफा दा जिक्र उदों भी सी। फिर एक वक्त आएगा खुदा दा जिक्र नहीं होएगा, लेकिन मुस्तफा दा जिक्र उदों भी होएगा। तुसी हैरान हो जाओगे कि ये अफजल ज़िया सियालवी कैसी गल करदा है कि एक वक्त सी खुदा दा जिक्र ऐसी, मुस्तफा दा जिक्र ऐसी, खुदा दा जिक्र नहीं सी। फिर एक वक्त आएगा कि खुदा दा जिक्र नहीं होएगा, लेकिन मुस्तफा दा जिक्र उस वक्त भी बाकी होएगा। एक किवें हो सकदा है, आओ मैं कर दिया। खुदा दा जिक्र कदों दा शुरू होया, रब रब दुनिया कदों कर लगी, जदों अल्लाह ने मखलूक बनाई, खालिक दा जिक्र उदों शुरू होया जदों मखलूक बनी है, मेरे नबी दा जिक्र उदों दा जदों दा खालिक। मेरे नबी दा जिक्र कदों दा जदों दा खालिक है। हुण दसना भी रब किस रब सन तू रब बने, किस साल तू रब बने, फिर कदों तक जिक्र जाएगा। अल्लाह फरमांदा है एक वक्त आएगा, कुल्लू मना लई फार, हर से पना हो जाएगी, लेकिन मैं बूबा तेरा जिक्र करन वाला ना रब नू मात आएगी ना यार दा जिक्र मुकेगा। भी मखलूक नू मौत है ना, बोलो बोलो, प्रोग्राम नहीं तोड़ा, नाम भी होवे ते बन जाना है। मखलूक नू मौत है, लेकिन खालिक मौत तो हत्ता के मलकुल मौत नू भी मौत आएगी। उलामा बैठे ने मलकुल मौत नू भी, बल्कि मौत नू भी मौत आएगी, मौत नू मौत आएगी, लेकिन मेरे नबी दा जिक्र वरफाना लका जिक्र। अल्लाह फरमान दे सोनिया तेरा जिक्र करन वाला मैं आपा, ना मैनू मौत आएगी ना यार दा जिक्र मुकेगा। गल समझन दी कोशिश करो, साकिर मुस्तफा खुदा है, जाकिर मुस्तफा कौन है, जाकिर मुस्तफा कौन है, जाकिर कहंदे ने जिक्र करन वाले, जाकिर मुस्तफा कौन है, खुदा। यानी अल्लाह ने एक गल समझाई, जे मौत नहीं ना चांदा, जे मर के भी तुम मरना नहीं ना चांदा, ते फिर मेरे महबूब दा जिक्र कर। हाँ मैं वेखिया के जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदे नहीं मरे दे। फरमाया आ अगर मौत नहीं चाहता, मैं जाकिर मुस्तफा मौत तू परी, तू भी जाकिर मुस्तफा हो जा, तेनू मौत भी नहीं मारेगी, तेनू मौत भी, बोलो ना, शादरा मोड़ है ना, शादरा मोड़ तो लठे दी चिट्टी चादर
ते गल तरीदा वाला कुर्ता सिर ते चिट्टी पग ते उत्ते चिट्टी चादर लई तुसी केड़े चक्कर च पए हो जब दिल दे दिया तो खत्म हुआ हिसाब महबूब के साथ हिसाब का दस्तूर नहीं है आप जी पीछे बह गए हो मैं ते कैसी अगे आंदे अल्लाह अकबर फरमाया दा करे मुस्तफा बन जा ते शदर मोड़ तू एक जना गुजर रहा लक लठे दी चादर सिर ते चिट्टी पग दे पानी लेके बैठे हो सिर ते चिट्टी पग के गल करीदा ना कुर्ता है ते चादर लई ते गुजर रहे ने ते एक मुनकर ने वेख्या ते ओ अगे होके वेख के कहन लगा ओ बार बार वेखे ते फरमाया की वेखना है उन्हें आख्या बाबा जी मैं जो वेखना अकल उसकी गवाही नहीं देंदी अखां गवाही दे रही ने तुसी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी हो फरमाया मुनकरा मैं शेर मोहम्मद शरकपुरी सन पैंठ की गल उन्हें आख्या जी मैं शेर मोहम्मद शरकपुरी नूं चंगी तरह वेख्या बार बार वेख्या उन्हां दे विसाल नूं 35 साल हो गए ने फरमाया चंगी तरह वेख लै मैं शेर मोहम्मद ही हां तू मोहम्मद दियां गल्लां करना मैं शेर मोहम्मद की गल सुनान लग मियां शेर मोहम्मद साहब ने फरमाया मुनकरा मैं ओही हां जिन्हू 35 साल पहले तुसी दफन कीता हजूर है की प्या मैं वेखना फरमाया जिन्ना इश्क नमाज पढ़िया ओ कदे नहीं मरे दे अबलिया दे दरबार उत्ते आ वेख लै दीवे अज भी वेख लै दीबे पीर से मिया साहब नु वेख्या उस मुनकर ने अज किते हजूर किथे तशरीफ ले जा रहे हो सन 65 दी जंग शुरू सी फरमाया मैं सियालकोट दे बॉर्डर ते जा रहा ते हजूर ए लाहौर दा की बनेगा फरमाया सरकार ने ड्यूटी मेरी सियालकोट दे बॉर्डर ते लाइए इथे ड्यूटी दाता दी इथे ड्यूटी दाता साहब दी अब मैं कहना इस नस्ल नाल तो हिंदू ही ठीक सन सन 65 दी जंग जदों फड़े गए ना जासूस पायलट भी तो उन्होंने लित्र पौला किया ना साडे फौजियों ने तो उन्हें आख्या सब कुछ दसांगे एक गल तुसां दसनी एक गल तुसी दसो उन्हें आख्या ओह कड़ी उन्हें आख्या कसम है सानू भगवान की असा रावी दे पुल ते अनगिनत बंब सुटे ने ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵਰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਵਿਆਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾ मरे दे अपलिया दे दरबार उत्ते आवेख ले दीवे पल दे नाराए तकबीर नाराए रिसालत
नारे हैदरी वो कदम मर देने बात आ गई ना है अज जड़े कहंदे ने नबी पाक सल्लम आ नहीं सकते जवाहिर उल बिहार फी फजाइल उल नबी अल मुख्तार अल्लामा यूसुफ नबहानी दी तसनीफे उठा के देखो आप दी बीवी नू नबी करीम अलैह सलाम दी 84 मर्तबा ज़ियारत नसीब और पीर सियाल दे रंग विच रंगया पीर सियाल दी नदर दा फैद गोले दा ताजदार हमरा बादी दे अंदर सुत्ते पर किस्मत नहीं सुती किस्मत जाग उठी ना सारी जिंदगी कदे इशादियां सुनता नहीं छड़ियां हैं गैर मुअक्कदा सुनता ने पर शहनशाह बोला सारी जिंदगी उन्हां दी पाबंदी कीती ते पैरी जोड़ा नहीं पै किसे गुलाम ने अर्ज की हुजूर नोकां दी तरह सलाखां दी तरह पत्थर ने ते नंगे पैरी चल रहे हो ते चीख मारी फरमाया मैं इस वजह तो जुती पा के नहीं चलदा किदे हुसैन दी अम्मा नबी दी लाडली जारा दे किदे कदम लगे हो मेरी जुती आ जाए फिर दराख लगी अल्लाह करे तेरी भी लग जाए अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है हमें दीदार हो जाए गुनाहगार सही सियाकार सही पर सोनिया तेरा जिक्र सुनन वास्ते इस शदीद सर्दी दे अंदर कामों की तू चले ये तू दीदार दी दौलत दे दे मैं अल्लाह दी कसम मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई मैं उन दिनों दे अंदर बरतानिया सा जदों पाकिस्तान दी बेगैरत गवर्नमेंट ने एक आशिक नूं फांसी दे फंदे ते लटकाया है और मैनू दोस्तां ने बड़ा उत्थे डराया लेकिन मैं डडली दे अंदर आवाज कीता मैं बरतानिया दे अंदर आवाज कीता मैं टिप्टन दे अंदर आवाज कीता मुमताज कादरी दी इज्जत ते इश्क ते आवाज कीता उन्हें कहते मैंने उन्हें कह पाकिस्तान नहीं बरतानिया दे कानून बड़े सख्त ने मैं कह इश्क भी बड़ा डर है अल्लाह दी कसम लोगों दी चीखा निकल रही सन मुमताज कादरी अडियाला दी जेल दा मैं जो मंदर पेश किया ना बाप मिलन आया एवं तो नहीं ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे फना फिर रसूल फरमांदे ने गुलाम फरीदा और नहीं मुड़दे जिन्ना लज्जत इश्क दी चखी जिन्ना ने लज्जत चखी अडियाला जेल दे अंदर बाप मिलन आया बाप ने क्या पुत्रा दो अढ़ाई साल हो गए जेल दी कोठी दे अंदर बंद कर पिए ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਦਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਪ ਰੋਇਆ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਰੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ वालिद नु क्या मेरी जिंदगी दे अंदर किसे नाल गल ना करी लेकिन तेनु रोंदियां वेख के मेनू राज खोलना पै गया तेनु रोंदियां वेख के मेनू राज खोलना पै गया किस जिंदगी दी गल करना है जेड़ी नौकरी च गुजरी
जिहड़ी घर विच गुजरी उसनू जिंदगी कहने आबा फरमाया मेरे वालिद मोहतरम गल सुने आला जेल दे अंदर यारा दफा नबी करीम आए ने फरमाया मुमताज कादरी मैं तेनू लैन आया कौन है तेनू बंद करन वाला चल मेरे नाल ते मुमताज कादरी ने जो नक्शा खिंचे ना तो बाप दियां चीखां निकल गईयां की आखिया ने आख्या यारां दफा हुजूर तशरीफ ले आ चुके ने हुण तक ख्वाब विच नहीं जागदियां सरकार आए ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक नाल सी फारूक आदम नाल ने उस्मान गनी नाल ने मौला अली नाल ने हंस के कहन लगा अब्बा इल्मो दीन पीछे खड़ा सी इल्मो दीन पीछे खड़ा ते जो सरकार ने फरमाया ना चल मैं तेनू लैन आया ये ताले तुले टुट जाणगे चल मैं तेनू लैन आया ते इल्मो दीन गाजी ने उंगली का इशारा किया सौदा ना करी ऐ बाजी मैं सिर नबी पाक दियां पैरां च रखिया अर्ज कीती आका मैं तुहाडे नां तों मरना चाहना ऐसी मौत चाहना कि फिर मौत ना आवे और सुबह धोखे नाल सहरी वक्त मां बाप नू बुलाया बच्चियां नू बुलाया कि मुमताज कादरी दी तबीयत खराब है मैं तुहानू दसना कि जे सौदा करन दी जाच होवे ते सौदा करन दा ढंग होवे ते सौदा करन दी जुर्रत रखदे होइए ते फिर 36 साल पानी विच खड़िया होने की कोई लोड़ नहीं। मुमताज कादरी ने दसिया मैं एक तेनू शॉर्टकट रस्ता दसना एक लम्हे दे अंदर पेंडा मुक जाएगा। शॉर्टकट रस्ता कायनात नू 1400 साल बाद मुमताज कादरी ने फिर याद कराया। हाँ ऐसे साउंड वाले बंदे नू अगर तुसी कह देंदे ना कि जनरेटर तेरे जिम्मे ये लैके आ जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇਹ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇਹ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ ते चीख निकली उन्हें क्या किस जिंदगी की गल करना सहरी वक्त घर वालियां नू धोखे नाल बुलाया और कहा कि मुमताज की तबीयत खराब है मुलाकात वास्ते आ जाओ। हाय 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 मैं उन्होंने दिनों के अंदर बरतानिया सा अफसोस कि पाकिस्तान दी द मीडिया चूहे दी खबर भी दिंदा है बिल्ली भी दिंदा है मुर्गी अंडे नहीं दिते दिंदा है लेकिन आशिक मुस्तफा दी खबर नहीं दिती। बीबीसी लंदन दी खबर है बरतानिया ने हजरत बीबीसी लंदन दी खबर है कि इस आशिक मुस्तफा दा जनाजा जदों दी इंसानियत बनी है आज तक तारीख इंसानियत इतना बढ़ चुका है। और बीबीसी लंदन दी खबर है कि 60 लाख आदमी से ये गैरां दी खबर है बुलाया मुलाकात की थी ते मुमताज कादरी जेल च बैठा है
باپ نو ماں نو بچیاں نو بیوی نو زمزم شریف پیش کیتا کھجوراں پیش کیتیاں تے ماں نے کہا پتر تو بھی کھا لے تے اکھاں جانسو آ گئے تے فرمان لگے میں روزہ رکھیا ہے تے سرکار تشریف لے آئے نے تھوڑی دیر پہلے تے حضور نے فرمایا میں تیرا انتظار کراں گا افطاری ساڈے کول ہے تیری ہاں جڑے دید سجن دی چاہتے نے مرنوں گھبراں دے نے پھانسی دا تختہ ممتاز قادری یا رسول اللہ دا نعرہ مار کے پیر رکھ دے فانسی دے تختے تے آئے تے پوچھے ہاں فانسی دین والے ہاں کوئی تیری خواہش کوئی تیری خواہش انہاں کہ جڑی میری خواہش ہے تسی پوری نہیں کر سکتے انہاں کہ تیری کی خواہش ہے انہاں کہ میری خواہش ہے وے میرے ماں باپ سب تسی ہٹ جاؤ جے دے واسطے میں جیل دی کوٹھری چ بند کرن پے میں جانا او دا دیدار کراؤ انہاں کہے اے تے ساڈے واسطے چ نہیں کو ہور خواہش کر جدو ممتاز قادری دی زبان چو اے جملے نکلے سرکار سامنے آئے فرمایا سان ترسایا کدے نہیں اے رج کے ویکھ لے زہرا دا بابا حسین دا نانا تیرے سامنے کھلوتے پر اے گل تیری ساڈی اے اے گل کھڑے تے سارے نے پر ممتاز قادری دی اکھ نبی پاک نو دیکھ رہی اج جڑے کہندے نا نظر نہیں آؤں دا میں کہ نظر آئے گا نا میر علی نو نظر آئے گا مولا علی نو نظر آئے گا غوث جلی نو جی نہیں اس ذوق نال جس طرح میں درد نال بات کرنا میں اندروں گل کرنا جی جو وقت ٹپان والے لوگ آؤں دے نا میں وہ نہیں آگا میں فقیر جی آدمی ہیں درویش بس کسے دی نظر رہے میرے اوپر لے تو کچھ ہے نہیں یہ سارا سودا ادھروں ہی آ رہے ہیں ہاں ہاں کوئی خواہش دس انہیں کیا خواہش میں جلدی کرو میری خواہش میں جلدی کرو نہ کہ سامنے پھانسی دا پھندا ہے تو کہنا جلدی کرو فرمایا ہاں ہاں جلدی کرو اور کوئی خواہش دس تے جدو فانسی دے تختے تے لٹکان دے نا منہ تے کالا کپڑا پان دے نے منہ تے ممتاز قادری نے کیا میری ایک خواہش ہے وے منہ تے کپڑا نہ پائے منہ تے کپڑا نہ کالا موت کو لوگ ڈردے نے فرمایا میں وہ عاشق ہوں جس نو ویکھ کے اج موت بھی ڈرے گی موتیاں اکھاں وچ اکھاں پائیاں کدے کربلا دے اندر حسین نے پائیاں تیرے عاشق اج بھی اڈیلا اڈیالا جیل دے اندر کھلو کے موتیاں اکھاں وچ اکھاں پا دتیاں کو اور تیری خواہش انہاں کیا اے پھندا اے رسا پھانسی دا پیچھے ہٹ جاؤ میں آپ پاواں گا میں انہاں پھر پوچھیا کو اور خواہش انہاں کیا بدبختو ممتاز قادری نے کیا جلدی کرو
उन्हें आख्या जल्दी का दीजे। मुमताज कादरी ने फंदा फड़ के ते गले च पा के क्या, ओ वेखो कमली वाला आ गया, ओ वेखो। हाँ बोलिया मुमताज कादरी, मैनू मिटान वाले ओ उगो पिंडां दे अंदर भी मेरा जिक्र होना है, बरतानिया दी सरजमीन ते मेरा जिक्र होना है। आशिक ने किया साडा राखा कमली वाला ए, मेरा राखा कमली वाला ए, ओ मैनू कौन मिटावण वाला ए, मेरी ओस सोने लली लग गई है, जिड़ा तोड़ निभावण वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लाजपाल 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 लाजपाल। ओह ओ कदे नहीं मरदे। ओ फरमाया वारा फाना लगा दिक्र या अल्लाह, इस सौदा कदों दा कीता ई की करना, पाई लठ हवाई जहाज उड़ांदे, मिल वाला मिल चलांदे, कोई कोई कारोबार प्या कर दे, कोई कोई कारोबार प्या कर दे, या अल्लाह दस दे तू की करना। फरमाया सारी दुनिया खुदा खुदा कर दी है, मैं खुदा होके मुस्तफा 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 करना, मैं खुदा होके बोलो ना यार, रब कहना है मैं खुदा होके मुस्तफा मुस्तफा करना, ते तू क्यों घबराना। आहा मैं बात कर रहा सा, अज जड़े लोग कहंदे ना मिलदे नहीं, एक सुत्ता सरगो दी सर जमीन ते पे, ना पीर सियाल ते गुलाम टुर गया ना, बंदा उन्हें क्या नबी पाक अलैहि सलाम दी ज़ियारत नहीं होंदी, ते फरमाया मिला दे हजूर कर्म करो। फरमाया जा एक बारी हजार एक हजार दफा दरूदे खिदरी इशादी नमाज तो पढ़दा पढ़दा सौ जाई, ते अज ही कम बन जाएगा। दस तस्बियां दसियां ना पीर सियाल, ते अजे पहली बुकी नहीं, ते वेखदा किए काबे दा तवा पिया हुंदे, अगे अगे कमली वाले, पिछे पिछे पीर सियाले, पिछे मुरीदे। ते अर्ज कीती सोणिया तस्बी एक ही नहीं पूरी हुई, ते कम पूरा हो गया है, मैं जे पहली तस्बी पूरी नहीं कीती। ते पीर सियाल ने मुड़ के वेख्या, फरमाया चुप कर जा, अदब दा मकाम है कि कमली वाला पे जांदा है। कहो ना सुभान अल्लाह, ललकार के। मियां साहब की गल हो रही थी ना, मियां शेर मोहम्मद शेरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी, बंदा आ गया कोई महीना लंगर पाड़िया, ते दूसरे महकमे का बंदा सी तुर पिया, ते आपने गुलाम नू फरमाया दरा इनू फड़ के उरा लिया ना वापस लियांदा। फरमाया की गल है, उन्हें कहा जी बस दुकानदारियां ने। फरमाया तेरा मसला की है, उन्हें आख्या मैं बड़े बड़े पीरां कोल गया, बड़े बड़े पीर वेखे ने। फरमाया तेरे वेख्या की बनना सी, तेनू किसे ने वेख्या तेनू किसे ने वेख्या, की मसला है तेरा। उन्हें आख्या नबी पाक अलैहि सलाम की जियारत नहीं होंदी, जून जुलाई दे दिन सन, बड़ी शदीद गर्मी सी। आपने फरमाया मौली साहब मैनू लगता है तुसी प्यासे हो,
ਅਗੇ ਹਾਂ ਤਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਦਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਅਖੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਖੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੰਨਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜੰਨਤ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਖੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਅਖੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਖੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਖੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਅਖੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਖੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਇਨਸਾਨ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਖੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਇਹ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਅਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਖੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪੌਂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਲਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੂੜਾਂ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਦਮ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਪਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੈਤ ਕਾਹਦੀ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨਾ
تے پھر اگلی گل بھی کرنے ہیں زیارت کیوں نہیں ہوندی پیالہ جنو دیتا نا مولوی صاحب نو تے مولوی صاحب انج ویکھن پیالے تے رون آپ نے گوڑے تو ہاتھ چک لے گوڑے تو ہاتھ جدوں گوڑے تو ہاتھ چکیا مولوی صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ دا واسطے شرکپور دیا تاجدارا ہاتھ درا گوڑے تے رکھنا آپ نے پھر ہاتھ گوڑے تے رکھ دیتا فرمایا مولوی صاحب پانی پیو جدوں ہاتھ گوڑے تے رکھے مولوی پانی نہ پیے آپ نے پھر ہاتھ چک لیا انہیں کہا تانوں زہرا دی حیا دا واسطہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਚੀਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਰਾ ਹੱਥ ਕੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਇਹ ਕੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਏ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੇਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆਈ ਐ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਦਾਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਐ ਤਦਹੀਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈਂ ਆਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਤਿਆ ਨਬੀ ਮਿਲਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਨੇ ਤੌਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਦਾ ਮਹਿਖਾਨਾ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਦਾ ਮਹਿਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਦਾ ਮਹਿਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਗੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਦਾ ਮਹਿਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਬਾ ਸੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੀਨੋਂ ਮੈਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਮੈਂ ਪਿਆਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਪਿਲਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ نظروں سے پلائی نظروں سے پلائی اے تہاڈے کول بھی واد کر رہا ہاں نا میں بیٹھک وچ بیٹھا سا تے ساڈے کاموں کی دوست بڑے عشق و محبت انہاں نوں ہنے تھوڑی دیر پہلے اے مقبول صاحب میرے سامنے بیٹھے نے ہیں انہاں نے خبر دتی تے میں حجرہ شاہ مقیم دی ایک بات انہاں نوں سنا رہا سا ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੈਂ ਬੜੇ ਉਲਾਮਾ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਹੈਂ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਂ ਟੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੁੰਜੀਆਂ ਹੋਵਣ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਫਿਰ
जी आखो के जिया साहब कैसी गल कर देने। जो मैं खुतबे तो बाद उथे पढ़िया ना तो मौलवी वेखन लग पे, मैं आखा खैर हो गए। जो मैं वंड की ना कि मैं आखा तेन हुजरे का ही नहीं पता हुजरा केड़ा क्या उन्होंने। ये जरा फरमाया कुत्ती मरे फकीर दी जी टों टों नित करे, ये किनू क्या? नफ्स दियां इल्तां। हुजरा क्या? दिल नू जी। ते जरा फरमाया ना भी सुनियां होवण गलियां ते विच रांझण यार। मदीने वाले दी गल कर दे। फरमांदे ने सुनया और इस हुजरे दी गल सुल्तानुल आरिफीन ने की, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। मेरा कोई जुमा तकरीबन उत्थे मुकम्मल नहीं हुंदा, दोस्त फरमाइश करदे ने कि सुल्तान साहब दा कोई कलाम ते उसका जरा थोड़ा जिहा वंड करके दसो। आ फरमांदे ने के अलिफ ए तन रब सच्चे विच पा फकीरा जाती शौक दा दीवा किहड़ा है? शौक दा दीवा की वल्ला दीना ये भी तू ना ले रब्बे हिम फरमान ने शौक दा दीवा बाल हनेरे मतलब वस्त खड़ा फरमा देने ना कर मिन्नत ना कर मिन्नत खाज खिदर तेरे अंदर आप हया फरमा देने मरन तू पहला ओ मर गए बाहू जिन्ना हक दी रमज पछाती ओ जड़े प्याले विच मिला सकदे ने जड़े। बात बहुत दूर चली गई ना कर मिन्नत तेरा तो मकाम ही हो रहे। हुजूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी हाय हाय तुहानू पता हुंदा कौन शाह सुलेमान तौसवी? आप बैठे ने ते गुलाम भी बैठे ते गल जरा लीक हो गई। गल लीक होगी कि हर रोज बिला नागा चाश्त दे वक्त सुबह नाश्ते दा टाइम जिसमें कहते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हाजरी दें देने आप दी बारगाह तशरीफ ले होगी। एक गल लीक होगी ते किसे गुलाम ने अर्ज की थी हुजूर ए गल सुनी है
ते आपने मुस्कुरा के फरमाया पे झूठ तो किसी नूं भी नहीं फबदा ते मैं सुलेमान हां। तशरीफ लियांदे ने हर रोज अर्ज की हजूर सानू की पता केड़ा खाजा खिदर है अज जो आने मेहरबानी करो सानू भी खबर दो जरा वेख लीए तबीयत हाजर है। हजरत खिजर सलाम की आमद हुई गुफ्तगू होंदी रही उन्होंने नहीं पता गुलामा खिजर सलाम आए ना गुफ्तगू होंदी रही गुफ्तगू तो बाद हजरत खिजर सलाम ने सलाम किया ते अच्छा चलने हैं फरमाया ठीक है जाओ कल सही। खिजर सलाम जदों किला दो दूर चले गए ना ते हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेलियो कल तुसी इसरार करदे सो कि खिजर सलाम नूं वेखना है मिलना है तो हुण भी ख्वाहिश है आख्या हजूर क्यों नहीं फरमाया खिजर ही सी खिजर जा रहे ने जाओ जिन्हें जिन्हें मिलना है खिजर नूं मिल लो। हजरत ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम जाओ जिन्हें मिलना है दुनिया दौड़ी हाय हाय दुनिया दुनिया उठ दौड़ी लेकिन एक मर्द कलंदर उन्हें पिछू वेखिया ही नहीं कौन खिदर फरमाया ओ कौन जिदे अज पै नारे बजदे ने फरमाया ओ सियाल ओ शमसुद्दीन क्या तू खिदर नू नहीं वेखना अर्द कीती मेरा खिदर ते तू वे मेरा खिदर ते तू है पर मैं दुनिया ते चली है जिनू खिजर वेखण आउंदा है मैं उनू क्यों ना वेखा जिनू बोलो ना दर थकते नहीं गए नींद ते नहीं आ रही पर जागण जागण में भी बड़ा फर्क है ना हां कईयां दियां रातां लंघदियां ने सारी रात वरके फोलदे ने नबी दे ऐब पे लभदे तेनू गैरत भी नहीं आउंदी कि मैं कलमा भी ओदा पढ़ना कदे तेरी अकल इस पासे नहीं आई ते उसे नबी दे ऐब पे लभना पर एक चिश्ती तड़पिया ओ कह मैं कि महबूबा तेनुकता उजड़ा करन तू बाज नहीं आंदा असल मुनाफिक जानी नुसानू उत झूठे प्यार जतांदा सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जिड़ा मुड़ मुड़ ये फरमांदा आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा जागण जागण में भी बड़ा फर्क है ना चोर भी रात नूं जागदा कि नहीं सारी रात जागदा ते वरके फोलदा एक चोर है सामान दा चोर वह दीवार फाड़दा ये वरके दौरे करदा जिथे नबी दी अजमत दियां हदीसां ने बोलो रात नूं बीमार भी जागदा रात नूं आशिक रसूल भी जागदा सुल्तान आरिफीन फरमांदे ने कुछ जागदे ते हैं पर जागण दा पता कोई नहीं आ फरमांदे ने के हिक जागण ते हिक जाग ना जानन हिक जाग दिलाई सुते ने फरमांदे ने एक सुत आ गई
वासल होए ते इक जाग दियाई मुठे फरमांदे ने की होया अजे उल्लू जागे जड़ा लैंदा सा अब उठे फरमांदे ने मैं कुर्बान ओना तू पाऊ जिन्ना खूब प्रेम दे जुते नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए सुल्तानिया वरफाना सारी दुनिया खुदा खुदा कर दी खुदा ए जेडे इल्मी यतीम बदबख्त इल्मी यतीम जेडे गली गली नबी दा गिला करदे फिरदे ने नबी दा गिला करदे फिरदे ने ते नाल कहंदे ने कलमा पढ़ो की कहंदे ने हाय हाय कदे कलमे ते गौर कीता जे हैं मैं क्या कलमा तू की पढ़ाना है कलमा पढ़ाया जो मेरे दे ताजदार ने कलमा पढ़ाया लाहौर दे दाता ने कलमा पढ़ाया पाक पतन दे फरीद ने कह दे ना सुभान अल्लाह हुजूर बाबा साहब पे गुजरन ना ते पिंजरे दे विच तोता है ते तोता पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आप रुक गए फरमाया खैर होवे वजीफा बड़ा टिक के कर रहे हो गल की उन्हें आख्या जी कैदी जो है ते सुनया वजीफा पढ़िए ते कैद मुक जांदी है फरमाया किन्ना चिर हो गया जिन्हें आख्या 12 साल फरमाया आपे लगे हो या किसे पढ़ाया जे नेखा जी कलमा ही पढ़ना को पढ़ाए तामी ला इलाहा इल्लल्लाह ते जे आपे पढ़िए ते तामी पर मैं नहीं इंज नहीं गा जे किसे पढ़ाया हुंदा तेनूं ते 12 साल होए ने 12 महीने ना लगदे अच्छा पर मैं नहीं 12 हफ्ते ना लगदे 12 घंटे ना लगदे 12 मिनट ना लगदे 12 सेकेंड ना लगते जे किसे पढ़ाया होंदा अच्छा जोर फिर पढ़ा दियो फिर मैं पढ़ा दिए लोहे दा पिंजरा ताला लगा है हाय 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 इन्हां नूं हबीब दा की पता जिन्हां नूं फरीद दा नहीं पता जिन्हां नूं फरीद दा नहीं पता आपने पिंजरे वल उंगली कीती ते फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पिंजरा चूरे चूरा हो के डिगा हजूर मामला की है कलमा त्योई है फरमाया बेशक कलमा कामिल अकमल ए मखजन नूर इलाही पर जे कर जुबान फरीद दी होवे फिर देर ना लगती काई कलमा मैं क्या कलमे ते कदे गौर भी कीता जे ला इलाहा इल्लल्लाह दे हर्फ 12 कितने बोलो मुहम्मद रसूलल्लाह दे हर्फ 12 या अल्लाह 12 क्यों नहीं फरमाया यार 12 नु नहीं आया
मिलाद का सबूत मंगता फिर वो भी बारह लखे ने यह भी बारह या अल्लाह क्यों फरमाया यार बारह को आया ना मैं तो मिलाद का सबूत पूरी दुनिया कलमे चो पेश करता फिरना या कलमा छड़ ज बारह तो इतना जो घबराना है वो भी बारह ये भी बारह वो भी बेनुकता ला इलाहा इल्लल्लाह को नुकता है तो मुहम्मद रसूलल्लाह है मैं आख्या तेरे मतलब दा कलमा नहीं वो भी बारह ने भी बारह ने बराबरी भी होती है ना जी बराबरी हो रही है मैं आख्या या अल्लाह अपने महबूब नाल इतना प्यार पा के तो फिर पहले ना अपना क्यों लिया इंज भी तो कलमा हो सकता सी मुहम्मद रसूलल्लाह फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह दी वजह की फरमाया चुप कर एदे च भी राज है या अल्लाह केड़ा राज है फरमाया मैं चांदा सा ला इलाहा इल्लल्लाह कह के पहले जुबान पाक कर ले फिर यार दा नाम लवे फिर महबूब दा नाम लवे अच्छा इन्हां दी तबीयत दे मुताबिक कलमा इंज होना चाहिदा सी ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं वादा मना और मुहम्मद अल्लाह के या अल्लाह विच वा पा छड़ दो फरमाया वादा मतलब की है या अल्लाह वादा मतलब है और फरमाया होवें कौन तू महबूब ते मैनू और कहण वाला उथे ते मेराज दी रात नूं सौदा कीता आ महबूब तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं फिर जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले देखने का मजा आज की रात है जिन्ना तेरे हथा में हाथ दिते ने उन्हें खुदा दे हथा में हाथ दिते ने इदे तर्जमा ही पंजाबी दा शायर करदा ना कि उहदे हाथ रब अपने हाथा होवे काफिर जेड़ा अच्छा हुजूर निकले ना हिजरत दी रात में ते सरकार जाती मारी ना दरवाजे चो चीतरां वाले दरवाजे वेखे जे तख्तियां वाले ते वेख्या दुश्मन चारे पासे खलोते ते अल्लाह ने फरमाया महबूब निकल ते ललकार के निकल ते इन्हां दे मुंह ते मार के निकल मैं कई जगह ते बात की मैनू बंदा कहन लगा जी ये ललकार के निकल ते मुंह ते मार के निकल ये भी कुरान चो कढ़ के विखाएगा मैं आख्या सूरत यासीन पढ़ लै ललकार के निकल ते मुंह ते मार के निकल ते अर्थ कीती या अल्लाह दुश्मन चारे पासे ने फरमाया तेरा रब सारे पासे फैनमा तवल्लु फसम वजहुल्लाह सोने मार या अल्लाह जे अगे मारांगा पिछले बच जाणगे जे सज्जे मारांगा खब्बे वाले बच जाणगे फरमाया वगाणी तू है पहुंचाणी ते मैं पहुंचाणी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारे ना तो अल्लाह फरमांदा है वमा रमैता गल सुनो यार वरफा ना वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा ओ जेड़े रोड़े तू मारे सन ना क्या अंदाज है क्या अंदाज है मेरे रब दा अल्लाह फरमांदा है महबूब ओ जेड़े रोड़े तू मारे सन ना हाय हाय ओ जेड़े रोड़े तू मारे सन ना ओ तू नहीं मारे मैं मारे की अंदाज है फरमाया जेडे रोड़े तू मारे सन वो तू नहीं मारे या अल्लाह अली ने वेख्या मैं मारे जबरील ने वेख्या मैं मारे तू वेख्या मैं मारे मैं मुठ्ठी भरी है मैं ही वगाई है फरमाया मारे तू ही इन्हें पर तू मारे तो मैं मारे तू मारे तो मैं ही मारे
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਂਝ ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ। ਬਿਮਾਰ ਰਮੈ ਤੈਜ ਰਮੈ ਤਵਲਾ ਕਰ ਤਿਲਾਵਤ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ ਐਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਐਤ ਤੂੰ ਲੱਭਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ, ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਦਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਵੱਟੇ ਪੱਥਰ। ਤੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ 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 ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਇੱਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਸੂ ਆਏ। ਪੁੱਤਰ ਰੋਵੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁੱਛੇ, ਮੁਰੀਦ ਰੋਵੇ ਪੀਰ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਂਸੂ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬ ਰੋਵੇ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਹਰ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਮਖਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੋ ਮੁਹਤਾਜ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ? ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਏ ਹੋ? ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਮਾਰੀਏ, ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਇੱਕ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੈਸਾ ਸੌਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ,
कुरान चो ना निकले मेरा सर कलम कर दे, ते जे निकल आवे तो चार झंडियां ला सोने दा तू भी मिलाद मिला। तू कह ला इलाहा महबूब, तू कह ला इलाहा, गल समझो, तू कह ला इलाहा, तू मैनू मनी आ मैं तेनू मनी आना। या अल्लाह किवें फरमाया सुनिया, तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा हुण जरा गौर करना, ला इलाहा इल्लल्लाह वजीफा किदा है? मेरे नबी दा। ला इलाहा इल्लल्लाह वजीफा किदा है? ते मुहम्मद रसूलुल्लाह वजीफा किदा है? ते ये पांच टाइम तो जुड़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हैं अल्लाह सबसे, ते जो सबसे बड़ा है तो फिर उदा वजीफा भी सबसे बड़ा है। मेरे नबी दा वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा दा वजीफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मखलूक दा वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि मेरा नबी मखलूक है, मेरा नबी ते अल्लाह खालिक है, ते मखलूक दा वजीफा की है ला इलाहा, ते खालिक दा वजीफा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते जे रब नू सब तू बड़ा पे कहना अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर, ते फिर उसका वजीफा भी मानना के बड़ा है। अज कितनी तालीफ तकलीफ है कि सुन्नी नबी करीम दे इतनी तारीफ कर देने कर करके खुदा तू भी आगा ले जांदे। हाँ अल्लाह फरमांदा है सोने नबी होवे रसूल होवे वली होवे गौश होवे कुतुब होवे पीरे मुरीदे उस्तादे शागिर्दे हर ने झुक के किया सुभान रब्बिल अजीम। नबी पढ़ देने, रसूल पढ़ देने, फरिश्ते पे पढ़ देने सुभान रब्बिल बट साहब सुभान रब्बिल अजीम। फरमाया सारी दुनिया कायनात नबी रसूल पे कह दिए सुभान रब्बी अल अजीम, मौला तेरी जात पाक है तेरी जात अजीम, यही मतलब है ना। ते अल्लाह ने की फरमाया, फरमाया सोनिया नबी रसूल मखलूक भी कह दिए सुभान रब्बी अल अजीम, तेरी जात पाक है तेरी जात अजीम है, पर मैं रबो के कहना वा इन्ना कलाला खोलो के नाजी। खुदा दी कसम इस नुक्ते नु समझो, इस मसले नु समझो, इस बात नु समझो, तुसी कपड़े फाड़ लो। आओ जरा थोड़ी जी मेरी बन करके दसो, अल्लाह फरमांदा है लोका दुनिया ने मखलूक ने मेरी जात नु अजीम आख्या, मेरी जात नु अजीम आख्या, ते मखलूक ने क्या ते मेरी जात नु रब नु अजीम आख्या, ते मैं तेरी एक सिफत नु अजीम कहना। जेड़ा सुभान रब्बी अल अजीम दा मुनकर होवे ओ कौन है जी? ते ए तो मखलूक दी तस्वीर, मखलूक दे तस्वीर सुभान रब्बी अल अज़ीम, ये कुरान दी आयत ते नहीं, ते व इन्ना का लाला खुलक अल अज़ीम एक ही है। फरमाया मेरी जात नू मेरी पूरी जात नू पूरे रब नू लोका ने कहा तेरी जात अजीम है, मैं तेरी एक सिफत नू अजीम कहना। मैनू मखलूक ने अजीम आख्या है, तेनू रब तेरी एक सिफत नू अजीम पे कहंदा है, ते कौन अजीम पे कहंदा? इतनी कायनात बना के कोई दुनिया दा साइंसदान, कितनी साइंस ने तरक्की की, तुहाड़ियां जेबां च मोबाइल ने लैपटॉप ने इंटरनेट दा दौर है, लेकिन अज तक किसी ने दावा नहीं किया ते ना को क्यामत तक करेगा कि खुदा दी जितनी मखलूक है मैं जानना, सारी कायनात नू मैं जानना, लेकिन इतनी कायनात बना के ना हिसाब चाहती है ना गिनती चाहती है। को रेत दे जर्रे दस सकदा साइंसदान? को पानी दे कतरे दस सकदा जी? मैं तो दो त्रै चीजें पे दसना, कोई दरख्तां दे पत्ते साइंसदान दस देगा?
بولو نا اتنی کائنات بنا کے تے فرماندا ہے کل متاع الدنیا جی کل متاع الدنیا قلیل اے ساری کائنات اتنا کچھ بنا کے فرماندا ہے اے قلیل ہے جے دی نظر چ اتنی بڑی کائنات قلیل ہے او دی نظر چ عظیم کتنا ہو یہ علماء کے لیے میں پیش کر رہا ہوں میرا جتنا واز ہے نا میں علماء کے لیے آپ کے ذوق کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں اور یہ نکات آیات یہ اپنے مسلک کی صداقت اور علماء کے لیے پیش کر رہا ہوں علماء کے ذوق کے لیے طبیعت حاضر ہے لا الہ الا اللہ میں آگے تینوں دسیا کہ نہیں اللہ اچھا پھر اگے سنو فرمایا لا الہ الا اللہ وظیفہ ہے مخلوق دا تے محمد رسول اللہ وظیفہ کے دے اگے اولیاء نے صوفیاء نے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے محمد رسول اللہ اس دی زبان تے نہیں آیا مر گیا وہ کافر صرف لا الہ الا اللہ اگر پڑھتا رہے محمد رسول اللہ زبان تے نہیں آیا کون ہے اگے لکھیا اگر کسی شخص دی زبان تے ساری زندگی لا الہ الا اللہ تے نہیں آیا تے مردی واری اس دی زبان تے صرف محمد رسول اللہ آگے او مومن جنتی میں کہا حضور کی نا انصافی فرمایا نا انصافی نہیں گل سوچ میں کہا او کیویں انہیں آخیا تیرے سامنے بتی جل رہی پیچھے تاراں دو نے ایک ٹھنڈی ایک جدوں ٹھنڈی تے گرم تار جب تک دو نہ ہون تے بلب جلدا نہیں تے میں آخیا جی ایک ہی جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھیا تے کہندے ہو محمد رسول اللہ زبان تے نہیں آیا تے کافر ہے فرمایا سچ ہے مومن ادو بنتا ہے جدوں توحید تے رسالت کٹھیاں ہون لا الہ الا اللہ اللہ تے ہے یار نہیں میں آخیا جس نے صرف محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ کہندے ہو مومن نے فرمایا ذرا غور کر تہان مار اے دے وچ اللہ بھی ہے محمد الرسول اگے کی اللہ کٹھا پڑھو تے پڑھو گے محمد الرسول اللہ تے جی انج پڑھو محمد الرسول اگے کی بولو بولو کہہ لو اللہ اگے کی ہے اگے کی ہے اللہ آشکا نے ونڈ کر کے اے دسیا ہے او غور کر اللہ وچ محمد نہیں محمد وچ اللہ پڑھ کے ویکھ پڑھ کے ویکھ لے فتوی کیوں لاونا ہے پڑھ کے ویکھ لے ورفانا ورفانا اللہ کا ذکر ہے یہ ایسا سمندر ہے جس کو ہم نے چھیڑ رکھا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں میاں صاحب دا میاں صاحب نے بھی ایک گل سمجھائی ہے جڑی سلطان باہو نے کی تھی نا کہ ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جانا تے ایک جاگ دیا ہی سوتے ہو میاں صاحب فرمانے نے کہ راتی تمبا اتے میں راتی کتا امر راتی تانا لا کولڑی پہ گئی مخاوت مول نہ پاوا تہاڈا خیال ہے کہ میاں صاحب ایک سیف الملوک دے شاعر سن ایک ایک شعر وچ چار چار تقریراں کر چڑھن اور میاں صاحب اپنے وقت دے اتنے بڑے محقق اتنے بڑے مناظر اور اتنے بڑے عالم کہ علماء نو پوچھو جس خبیث دا میں نام لین لگا اسماعیل دہلوی جس نو کہندے نے اسماعیل قتیل
उस जैसे बंदे दियां मियां साहब ने पर खच्चे उड़ा के रख दिए। मियां साहब वो हस्ती ने मत समझो कि मैं सूफी शायर सन किताब लिख दी थी से आप दियां बहुत ज्यादा किताब बन गई। तुहानू सिर्फ सैफुल मलूक का पता और सच पुछो मियां साहब के मकाम का पता मैनू बरतानिया जाके इंग्लैंड लगा तो मियां साहब की मकाम रखते सन लेकिन मियां साहब ने इज्ज मियां साहब ने दर्द हिजर इसनू बड़ा बयान किया। मियां साहब नू किसी ने पूछ लिया ना कि हजूर तुहाडा नां की है ते रो पे ते रो के क्या नां ते मेरा मां ने मोहम्मद रखे ते मियां साहब फरमांदे ने कि मैं मोहम्मद ठग जे लोको ते मैं मोहम्मद चोर जिसदा दुनिया कलमा पढ़ती ओ मोहम्मद हो। मियां साहब बात करदे ने ते उस बात नु समझन वास्ते इश्क दर्द अदब चाहिदा। देखो ना की एक शेर आपने लिखा आप फरमाने ने के उच्चा जिसने नाम रखाया ते हुण उच्चा तुसी कहंदे हो जिहदे नाल अग पाई दी कदे टोपी ते तरदे हो ना कोई चिमटा कह लैंदा कोई उच्चा कह लैंदा। मियां साहब फरमाने ने के उच्चा जिसने नाम रखाया ते ओ चुल्ले दे विच सड़ेया नीमा हो के तू लंग मोहम्मद लंग जावेगा अड़े लंग जावेगा। ये हुण अड़िया जेड़ा ना इस ते गौर करो ना तुहाडी बोली च कुछ अड़िया होर कहंदे ने ते ओ किस अंदाज च पे इसनू इस्तेमाल करदे ने हैं नीमा हो के लंग मुहम्मद लंग जावेगा। मेरी दुआ है हुजूर दे गुलामा दी तारीफ हुजूर दी तारीफ वरफाना। मेरी दुआ है कि जिस अकीदत जिस मोहब्बत नाल तुसां महफिल पाक नूं सजाया हौले हौले तुहानूं जहाज भी आ जाएगी वे जनरेटर पहले मंगा के दो चार बत्तियां जिथे बीबियां बैठियां ने एक डब्बा एस जिहड़ा सिस्टम साउंड सिस्टम इहनूं चालू कर दिओ बाकी सब खैर है ते वापटा वालिआं ते इतबार। मैं वापटा टाउन च रहना किथे किथे वापटा टाउन दे अंदर रहना ते मैं उन्हां नूं कई बारी हस के कहना कि यार इहदा नां बदल छड्डो। अगर की मतलब मैं आखिया वापटा टाउन ते तां इहदा नां फबदा है इत्थे बिजली कदे ना जाए दिहाड़ी च पता नहीं किन्नी बारी जांदी है ते तुसीं ते उगो पिंडल बैठे हो। मैं फिर दुआ करना ये दोस्त कामों की तो आए ने बल्लो वाले तो आए ने कारी साहब सियालवी साहब माशाल्लाह ये साढ़े बड़े पीर भाई ने हुईयां करम नवाजियां बड़िया जे चंगियां संग अखियां को सियाल शरीफ को अलीपुर शरीफ को शरकपुर शरीफ को गोला शरीफ ये जिथे पैर इन्हें रख दिता ना हजूर बाबा साहब आए ने पाक पतन शरीफ बन ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਅਯੁੱਧਨ ਅਯੁੱਧਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਪਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।